सिवनी में गौवंश हत्याकांड में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आज प्रशासन ने मुख्य आरोपी वाहिद खान के मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। मुख्य आरोपी वाहिद खान के मकान पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो आरोपी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सिवनी जिले में हुई गौ हत्या पर हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। गौ हत्या के विरोध में 3 गौ रक्षकों ने 8 किलोमीटर की दंडवत यात्रा निकाली। ये यात्रा श्री राम मंदिर भरवेली से बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन्हें फांसी दी जाए, ताकि भविष्य में भी कोई गौ माता के साथ इस तरह का घृणित कार्य न करे। चलिए चलिए, टीकमगढ़ के धजरई मंदिर में महंत और कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी के बीच हुए विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंत के साथ हुई अभद्रता और मारपीट के बाद महंत को गुस्सा आया और उन्होंने डंडा उठाकर यहां सबको खदेड़ दिया। इस विवाद का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दो दिन पहले छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और महंत सीताराम दास के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महंत ने मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी पर मामला भी दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश का बजट जनता के हित में होगा। भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि बजट को लेकर सभी विभागों से जानकारी ली जा रही है और अलग अलग वर्गों से बजट को लेकर संवाद हो रहा है। वित्त मंत्री की माने तो आर्थिक विशेषज्ञ से लेकर व्यापारियों तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। उनकी माने तो सरकार की चलाई जा रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी और बजट में महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। चाहिए जनता के लिए बजट है, जनता का बजट है और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से हम समावेश करेंगे। सबका ध्यान रख करके सर्वस्पर्शी बजट हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाला मध्य प्रदेश का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छा बजट हम पेश करेंगे। जो 2028 में जो हमारा कुंभ आने वाला है सिंहस्थ, उसके संबंध में भी हमने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि लगभग 20,000 करोड़। स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पाठ्यक्रम में श्री राम श्री कृष्ण को शामिल करने को लेकर कहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी श्री राम श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, यही सबकी मंशा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसी मंशा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री की माने तो स्कूली पाठ्यक्रम में श्री कृष्ण की कार्य पद्धति, महाभारत के समय दिए गए उनके उपदेश और श्री राम का जीवन चरित्र शामिल किया जाएगा। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए एक आदर्श चरित्र है और देश में या दुनिया में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए हमेशा वो प्रातस्मरणीय रहे हैं और उनका चरित्र हमारे आचरण में उतारने के लिए हमेशा से एक हमारी प्रेरक का काम करता रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है और उनके मार्गदर्शन में लगातार हम हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और हमारे विचारों को शिक्षण जगत, शिक्षण व्यवस्था में जोड़कर आगे आने वाली पीढ़ी उसको जाने, समझे, अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारे, इस पर हम काम कर रहे हैं। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पत्र लिखेंगे और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। बागी विधायकों को लेकर प्रमाण और नियमों का भी कांग्रेस हवाला देगी। यही नहीं, विधानसभा में कांग्रेस बागी विधायकों के साथ नहीं बैठाएगी। राम निवास रावत और निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। दोनों विधायकों ने अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर सुविधा की राजनीति करने के आरोप भी लगाए।
देश एक निशान, एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष मैं निष्पक्ष पद मानता हूं, लेकिन फिर भी उनको इस संज्ञान में लेना चाहिए था कि जब आपने एक विधायक कमलेश शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उपचुनाव भी होने वाला है, तो वहीं 10-12-15 दिन के अंतर से जो दूसरे विधायक, दो विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थामा, अब तक आपने उनकी सदस्यता शून्य क्यों नहीं की? ये जवाब विधानसभा अध्यक्ष को देना है। उधर रामनिवास रावत ने इस्तीफे को लेकर कहा कि जब समय आएगा तब वो इस्तीफा देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए। मैं आएगा तब इस्तीफा दे दूं, हमको कह रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से आपकी पूरे मामले को बोलेंगे और ये बोलेंगे कि इस्तीफा करना चाहिए, उन्हें जो भी करना है कर देना चाहिए, मना किसने किया? सर, कांग्रेस से कुछ नाराजगी रही? कांग्रेस ने हमारी लगातार, ये तो आप भी देखते हो कि हाउस में चलाता था जी। महापंचायत पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। संतों की ये महापंचायत थी जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ब्रज में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बरसाना के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा और अगर प्रदीप मिश्रा माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राधा रानी पर की गई अपनी टिप्पणी के चलते विवादों में आए थे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अब बरसाने में संतों ने महापंचायत बुलाई और उसमें ये फैसला लिया गया कि ब्रज के किसी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें माफी भी मांगनी होगी तो उसके लिए भी संतों महंतों की अनुमति के बिना वो ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राधा रानी के जन्मस्थान को लेकर, श्री कृष्ण की पत्नियों में उनका नाम ना होने को लेकर विवादित बयान पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया था। अपनी सफाई में कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जिसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी उनका विवाद हुआ, लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सुलह करवाने पर दोनों के बीच सुलह भी हो गई थी, लेकिन बरसाना का संत समाज नाराज था। किसी मंदिर में उनको प्रवेश दिया जाएगा, चाहे वो आ जाए बिना माफी के, उनको ब्रज के किसी मंदिर में प्रवेश नहीं जाएगा। सारे संतों, सारे साधु संतों ने ऐलान किया है कि ब्रज, जब तक प्रदीप मिश्रा अगर माफी नहीं मांगते हैं तो संतों का जो आंदोलन वो उग्र होगा, उसके लिए उनको चाहे सड़क रोकनी पड़े, हाईवे जाम करना पड़े, चाहे उनको रेल रोकनी पड़े, उस आंदोलन तक के जो है संत जाने के लिए तैयार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं संतों में किस तरीके का आक्रोश है जी। तो यहाँ नितिन गौतम हमारे सहयोगी बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर संतों की महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें क्या फैसला लिया गया कि ब्रज में पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवेश पर तब तक रोक रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं वहां आकर, और माफी मांगने के लिए भी अगर वो आएंगे तो उन्हें पहले प्रवेश करने से पहले वहां के संत समाज की अनुमति लेनी होगी। ब्रज के किसी भी मंदिर में जाने पर पंडित प्रदीप मिश्रा के रोक लगा दी गई है। और इसके लिए यहाँ संत समाज की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी, न सिर्फ संत समाज के बल्कि आसपास के गांव के जो मुख्य लोग हैं वो भी इस पंचायत में शामिल हुए थे। और उसके बाद ये फैसला वहाँ लिया गया है कि ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रवेश नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया से पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किए गए अपने पोस्ट हटा लिए थे। जब उनकी फोन पर बातचीत करवाई थी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा से, लेकिन बरसाना का संत समाज इस बात से नाराज है कि अब तक पंडित प्रदीप मिश्रा ने यहां आकर राधा रानी से माफी नहीं मांगी, और जब तक नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, और साथ ही अब उनके ब्रज में एंट्री को लेकर भी रोक लगाने का फैसला महापंचायत ने सुनाया है।
संत महंत की अनुमति के बिना पंडित प्रदीप मिश्रा को ब्रज के मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें माफी मांगने के लिए अगर यहां आना होगा तो भी पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो यहां पर आ पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं इस विवाद में अब गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए, ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। राजस्थान की एक महिला ने दीपेंद्र महाराज पर 55 लाख हड़पने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि बागेश्वर धाम में जमीन लेने के लिए राशि दी थी, लेकिन जमीन नहीं है। पीड़ित महिला ने इसे लेकर एसपी से शिकायत भी की है। चेक में दे दो, कैश में दे दो, कैसा भी पेमेंट दे दो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कर रहे हैं वो? अब कह रहे हैं कि जो तुमने पैसे दिए वो हमें मालूम नहीं, तुमने हमारे मुनीम को दिए तो तुम जानो और मुनीम जाने। पैसा देने के बाद आपको जमीन मिली कि नहीं मिली? ना तो जमीन दिया है, ना मुझे कब्जा दिया है, ना उसका पक्की रजिस्ट्री दिया। टोटल कितना पैसा जमा हुआ? रजिस्ट्री की है उसकी? दो रजिस्ट्री करके दे दी मेरे को, एक प्लॉट मांगा था और पता नहीं ये कौन से प्लॉट का, और रजिस्ट्री दे दिया मुझे। फर्जी रजिस्ट्री है क्या? हाँ वो फर्जी रजिस्ट्री हुई ना। जबलपुर में शेयर मार्केट से भारी मुनाफे का लालच देकर एक युवक से 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। गौरीघाट थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र प्रजापति को एक युवक और युवती ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर भारी मुनाफा दिलाने का लालच दिया और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पर 37 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। इसके बाद इस रकम को शेयर बाजार में नहीं लगाया और न ही कोई मुनाफा दिया। जब इसकी जानकारी पीड़ित को लगी तो उनसे वापस पैसों की मांग की। पहले तो आरोपियों ने टालमटोल किया और बाद में रकम लौटाने से ही मना कर दिया। इसके बाद दोनों लापता हो गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों की तलाश तेज कर दी है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।